नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको आपकी साइकोलॉजी से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके बारे में जानकर आप सच में दंग रह जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट ये है कि अगर लाइफ में आपके कुछ गोल्स हैं और आप उन गोल्स का खुलेआम लोगों के सामने ढिंढोरा पीटते हैं तो आप कभी भी उस गोल को हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ स्टडीज के अनुसार ये कंफर्म किया गया है कि ऐसा करने से आप उस गोल के प्रति अपने मोटिवेशन को खो देते हैं और आप अपने आप को पहले से ज़्यादा सेटिस्फाइड समझने लगते हैं। तो दोस्तों, कभी भी आप अपने गोल्स को दूसरों के साथ डिस्कस ना करें जब तक कि आप उन गोल्स को अचीव ना कर लें। सेकेंड फैक्ट दोस्तों ये है कि अगर आपको सोने से पहले जो आखिरी इंसान आपके दिमाग में आता है वो इंसान जहाँ तो आपकी खुशी का कारण होता है और या फिर आपके दुखी होने का कारण होता है। तीसरा फैक्ट दोस्तों ये है कि दुनिया में 90% लोग ऐसे होते हैं जो अपने दिल की बात फेस टू फेस करने की बजाय टेक्स्ट मैसेज में करते हैं। अकॉर्डिंग टू फोर्थ फैक्ट दोस्तों, आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग इसलिए आपका फेवरेट सॉन्ग होता है क्योंकि आपकी लाइफ का कोई ना कोई मज़ेदार या फिर इमोशनल पल उस गाने के साथ जुड़ा हुआ होता है। अकॉर्डिंग टू फिफ्थ फैक्ट दोस्तों, ये लोग ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, वो लोग अक्सर अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों को कुछ भी आता जाता ना हो वो ये सोचते हैं कि उनके जैसा ब्रिलियंट इंसान इस पूरी दुनिया में नहीं है। आगे सिक्स्थ फैक्ट दोस्तों ये कहता है कि अगर आप लाइफ में नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए पैसा खर्च करते हैं तो ये पैसा आपको कभी भी लाइफ में नहीं चुभेगा। अकॉर्डिंग टू सेवन्थ फैक्ट दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे भी हैं जिनको ज़्यादा खुश होने पर भी डर लगने लगता है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि खुश होने के बाद अब जरूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो पूरी तरह दुखी हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू एट फैक्ट, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि जितना ज़्यादा आप किसी इंसान के लिए अपनी फीलिंग्स को दबाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी फीलिंग्स उस इंसान के लिए बढ़ती जाएगी। अकॉर्डिंग टू नाइन्थ फैक्ट दोस्तों, जब भी आपको कोई ऐसा कहता है कि यार मैंने तुमसे कोई बात पूछनी है तो उस समय आपका दिमाग वो सारी बुरी चीज़ों को याद करने लगता है जो आपने रिसेंटली की होती है। अकॉर्डिंग टू टेंथ फैक्ट दोस्तों, हमारे आंसू दो तरह के होते हैं, खुशी के आंसू और दुख के आंसू। लेकिन दोस्तों, आपने इस बात को कभी नोटिस किया है कि खुशी का पहला आंसू हमेशा राइट आई से निकलता है और दुख का पहला आंसू हमेशा लेफ्ट आई से निकलता है। अकॉर्डिंग टू 11th फैक्ट दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो 7 मिनट तक उसका ब्रेन एक्टिव रहता है जिसमें वो अपनी मेमोरीज को एक ड्रीम की तरह देखता है। 12th फैक्ट दोस्तों ये कहता है कि जो लोग एक या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलते हैं वो लोग जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी भी अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अकॉर्डिंग टू 13th फैक्ट दोस्तों, एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि जितने ज़्यादा आप सैड सॉन्ग सुनते हैं उतने ही ज़्यादा आपके दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द 14th फैक्ट दोस्तों, जब भी हम रोते हैं तो हमारी बॉडी कोर्टिसोल नाम का एक स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करने लगती है जिससे रोने के बाद हम पहले से ज़्यादा स्ट्रेस फ्री महसूस करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू द 15th फैक्ट दोस्तों, दुनिया में 97% लोग पेन खरीदने के बाद जहाँ तो अपना नाम लिखते हैं जहाँ फिर स्पाइरल लाइंस लगाकर उस पेन को चेक करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 16th फैक्ट दोस्तों, आधे से ज़्यादा दुनिया इसलिए डिप्रेस्ड है क्योंकि उनका मानना है कि वो उस पोजीशन पे नहीं है जिस पोजीशन पे उनको असल में होना चाहिए। तो ये थी दोस्तों हमारी वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको जरूर अच्छी लगी होगी वीडियो। सच में अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।